मित्सुओ मिचिको के साथ मैं सुमेरे की एक परफॉर्मेंस देखने गया था, जो कि सुमेरे की एक एक्टिंग परफॉर्मेंस थी। हर बार की तरह ये सुमेरे की बिल्कुल एक ब्लास्टिंग परफॉर्मेंस थी। अब जैसे ही सुमेरे का परफॉर्मेंस ख़त्म होता है, अब बारी थी कि मैं सुमेरे अपनी टीम के साथ, पूरे ऑडियंस के साथ में इंटरेक्ट करें। अब वो अपने हाथ में माइक ले लेती हैं एंड हर बार की तरह एक रैंडम इंडिविजुअल को वो चूज़ करने वाली थी जो कि स्टेज पर आके उनके साथ एक परफॉर्मेंस करेगा। मिस सुमेरा अपनी नज़र अपनी ऑडियंस की तरफ घुमाती हैं एंड वहाँ पे देखती हैं कि मित्सुओ है जो कि मिचिको के साथ आया है। मिस सुमेरा को ये देख के काफ़ी जलन महसूस होती है एंड वो मिचिको को उठा देती हैं बिल्कुल उस तरह से जैसे कि वो एक रैंडम इंडिविजुअल को उठा रही हूँ। एंड मिचिको से फिर वो कहती हैं कि आप सेलेक्टेड हैं एंड आप स्टेज पर आइए, हम दोनों साथ में गाना गाएंगे। मित्सुओ ये सोचता है कि काश ये चांस उसे मिलता। मित्सुओ मिचिको से थोड़ी जलन महसूस कर रहा था, फिर भी कुछ कर नहीं सकते थे। मिस सुमेरे के पास में मिचिको आती है एंड वो दोनों साथ में गाना गाते हैं। परफॉर्मेंस ख़त्म होती है लेकिन मिस सुमेरे का ऐसा करने का कुछ फ़ायदा नहीं होता। उसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं फिर मिचिको मित्सुओ के साथ नहीं जाएगी या मित्सुओ के साथ नहीं रहेगी, पर वो दोनों लास्ट में एक साथ ही जाते हैं। अब शाम होती है, सारे परफॉर्मेंस पेट्रोलिंग के लिए आए थे एंड मिले ही थे। परफॉर्मेंस सबको बता रहा था कि वो मिस सुमेरे का कॉन्सर्ट देखने गया था या फिर मिस सुमेरे का एक्टिंग परफॉर्मेंस देखने गया था एंड उनसे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। फिर पाको कहती है कि तुम मिचिको के साथ क्यों गए थे, तुम मेरे साथ तो कभी जाते नहीं हो। पायान भी पाको को टीज़ करते हुए कहते हैं कि हाँ परमैन, तुम्हें पाको के साथ जाना चाहिए, उसके साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए। पाको फिर से चिढ़ जाती है एंड पायान से बोलती है कि आखिर उसका मतलब क्या है। परमैन कहता है कि नहीं नहीं अगर मैं जाऊँगा तो ये तो फिर एक रोमांटिक मूवी को भी एक हॉरर मूवी के अंदर बदल देगी। पाको कहती है परमैन से, परमैन तुम बहुत गंदे, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। एंड ऐसा बोलते हुए वो अपनी नम एंड हल्की रोते हुए आंखों के साथ में अपने आंसुओं को दबाते हुए, अपने दुख को दबाते हुए चली जाती है। घर पे जाके उसकी रोबोट उससे पूछती है कि आखिर वो रो क्यों रही है। तो रोबोट से वो कहती है सुमेरे कि परमैन आज उसके साथ फिर से झगड़ा किया एंड वो बहुत परेशान है। रोबोट उससे कहती है कि उसे अपनी सारी फीलिंग्स परमैन को बता देनी चाहिए कि आखिर वो उसके बारे में क्या फील करती है। सुमेरे रिप्लाई करती है कि ऐसा पॉसिबल शायद से अभी तो नहीं है। वहीं दूसरी तरफ परमैन के घर में एक लेटर आया था जो कि बूवी लेकर आया था। रूम के अंदर मित्सुओ का रोबोट होमवर्क कर रहा था एंड परमैन बेड के ऊपर लेटा हुआ था, एक नॉर्मल कॉमिक बुक पढ़ रहा था। वो रेगुलर डे ही बता रहे थे एंड तभी बूवी आता है एंड अंदर आने के बाद में वो परमैन को लेटर देता है, कहता है कि ये लेटर जो था ये उसे रास्ते में पड़ा हुआ मिला था एंड इसके ऊपर परमैन का नाम लिखा था इसलिए ये बस आ गया। साथ में एक बैलून बंधा हुआ था, मानो किसी ने हवा के अंदर बैलून छोड़ दिया था और सोचा था कि जिस किसी को भी फिर ये लेटर मिलता है वो उसे परमैन तक पहुँचा देगा। लकीली वो बैलून बूवी को ही मिलता है। परमैन वो लेटर पढ़ता है, लेटर के अंदर वो पढ़ता है कि एक लड़की है जो उसे बहुत प्यार से बुला रही है, मानो वो लड़की हुई रानी थी एंड वो परमैन को बहुत ही ज़्यादा चाह रही थी। जैसे कि उस लेटर के अंदर कुछ ऐसे शब्द लिखे हुए थे, परमैन प्लीज़ मेरे पास आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ परमैन। और उसके अंदर उसके कुछ बॉडी डिटेल्स थी जैसे कि उसकी हाइट, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस और कॉम्प्लेक्शंस, ये सब लिखे हुए थे। परमैन के लिए सब कुछ थोड़ा अजीब था। परमैन ये बोल के जैसे पढ़ने लगता है, आधा लेटर कम्प्लीट होता ही है कि परमैन का रोबोट परमैन से कहता है कि परमैन तुम एक बार सोच करके देख रहे हो कि क्या ये तुम सीरियसली सही करोगे जा करके। पाको तुमसे बहुत ज़्यादा उदास है, क्या तुम्हें नहीं उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए पहले जाने से पहले, और शायद तुम्हें उससे परमिशन भी ले लेनी चाहिए। रोबोट की बात सुनकर परमैन थोड़ा सोचता है एंड फिर बूबी भी यही बात कहते हैं। परमैन फिर कहता है कि हाँ शायद से तुम सही कह रहे हो। परमैन फिर पाको को कॉल करता है एंड पाको से कहता है, पाको प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, हम अगली बार ज़रूर जाएंगे, शायद से इसी संडे को हम दोनों मिस सुमेरे का परफॉर्मेंस देख हम लोग फिर साथ में घूमेंगे भी सही, आइसक्रीम भी खाएंगे तुम्हारी फेवरेट। एंड इतना कहने के बाद परमैन कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है। सुमेरे ये सुन करके ठीक थी, उसने परमैन को रिप्लाई भी दे दिया था उसी टाइम कि हाँ ठीक है, और उसने जल्दी कॉल रख दिया था बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा उदास थी उस टाइम। कॉल रखने के बाद में उसके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान थी, मानो कि वो रोने के बाद जस्ट हंस रही हो कि शायद से दिल से खुशी मिली, लेकिन वो अपनी खुशी को जाहिर नहीं कर पा रही थी। उसके रोबोट उससे पूछती है कि आखिर परमैन ने क्या कहा या कौन था।
सुमेरा अपने रोबोट को सब कुछ सच सच बता देती है, आखिर वो छुपाते भी किससे। तो अब जैसे ही रात होती है, रोबोट तो काम के लिए चली जाती है, बिकॉज उसे समझ में आ रहा था कि पाको की हालत बड़ी अजीब सी है। वो खुश भी है, दुखी भी है, और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पाको सो जाती है, वो अपने नॉर्मल सुमेरे के गेटअप में थी, एंड सुमेरे की जो रोबोट थी वो ओवरनाइट काम करने के लिए गई थी। रात को सभी परमेंट्स बुलाते हैं पाको को, मगर पाको नहीं आती है। बोलती है कि वो थोड़ी परेशान है, उसे थोड़ा काम भी है, तो परमेंट्स भी ज़्यादा फोर्स नहीं करते हैं। पाको फिर सोने जाती है, एंड उसने अपना एक नाइट सूट पहन रखा था, लेकिन रात के टाइम पे इस बार मानो वो हर दिन तो अच्छे से सोती है, पर सर वो कुछ ठीक से नहीं सो पा रहे थे। लाइक उसे काफ़ी अजीब सा लग रहा था, उसे कुछ अजीब से सपने आ रहे थे। एंड तभी वो ये सपना देखती है कि परमैन पाको को आकर के किस कर रहा है। उसकी नींद अचानक से खुल जाती है, एंड फिर वो पाती है कि अब सुबह हो चुकी है। पाको फिर से पेट्रोलिंग के लिए जाती है, वो परमेंट्स को बुलाती है, मगर सारे परमेंट्स आ जाते हैं पर सिर्फ मित्सो नहीं आता है, यानी कि परमैन नंबर वन। परमैन के बारे में पूछती है पाको पायान से, मगर पायान को कुछ पता नहीं था। पायान फिर बूबी की तरफ मुंह करता है, एंड बूबी उनसे मुंह फेर लेता है, मानो कि वो कुछ छुपा रहा हो। पाको अपनी उंगलियों को चटकाती है, एंड फिर बूबी डर जाता है, तो उन्हें बता देता है कि परमैन एक आइलैंड पे गए हैं, आइलैंड का नाम है हायाकुजो आइलैंड, एंड वहाँ पे उसे एक लड़की का लव लेटर आया था। पायान ही सोचता है और बोलता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई लड़की परमैन को लव लेटर लिखे। बूबी फिर कहता है कि क्यों नहीं पॉसिबल है, आखिर वो परमैन नंबर वन है, सारे के सारे लड़कियों का क्रश है परमैन, वो मित्सो नहीं है फिलहाल। पायान फिर समझता है और कहता है कि हाँ, लेकिन फिर पाको गुस्से में कहती है कि हाँ, आखिर इस लड़की ने जाने से पहले मुझसे पूछा कैसे नहीं। सुनो पायान, हम दोनों से जा कर के ढूंढेंगे और लेकर के आएंगे। तभी पायान को याद आता है कि काफ़ी टाइम से कुछ लोग फरार हैं जेल से, जो कि पूरे जापान के अंदर मोस्ट फेमस गैंग है और बहुत ख़तरनाक गैंग भी है। तो वो लोग काफ़ी परेशान थे कि आखिर परमन गया तो आखिर ऐसा अचानक से सब कुछ कैसे हो गया। लाइक वो भी जेल से फरार भी हैं, एंड परमन भी गया, पर उनका लव लेटर भी आया। और जब ध्यान करता है पायन तो उसे याद आता है कि वो लोग लगभग 4 दिनों से फरार हैं, एंड परमन का लव लेटर आया कल। सारे क्लूज को अटैच करने के बाद में पायन समझ जाता है कि कहीं ये उन्हीं लोगों की चाल तो नहीं है परमन सेट को पाने के लिए, बिकॉज उनका जो लीडर है वो परमैन सेट को पाने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब है, उसको वो सेट बहुत ज़्यादा पसंद है और वो पूरी दुनिया पे एक तरह से कब्जा करना चाहता है। उसकी सोच काफ़ी बच्चों जैसी है, मगर वो चाहता है और वो उसके लिए साइको है बिल्कुल। पाको पायन से कहती है कि सुनो पायन, तुम बूबी के साथ में वेस्ट की तरफ से जाओगे, एंड मैं ईस्ट की तरफ से आइलैंड को कवर करेंगे हम तीनों फिर, और फिर हम देखेंगे कि आखिर होता क्या है। अब जब हम परमैन को देखते हैं, परमैन आइलैंड के ऊपर पहुंच चुका था, वो आगे जाता है एंड वो सोचता है कि आखिर किसने मुझे ऐसी जगह पे क्यों बुलाया, वो लड़की तो रानी जैसी है ना, वो मुझे भला इस जगह पे क्यों बुलाएगी। फिर भी वो आगे जाता है, लेटर के हिसाब से जो डायरेक्शन उसके अंदर दिए गए थे वो आगे जाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद आइलैंड घना होने लगता है, एंड तभी उसको वहाँ पे एक झोंपड़ी जैसी कुछ दिखती है, एक हट टाइप का। वो हट के अंदर जाता है, एंड वहाँ पे जाने के बाद उसे थोड़ा कमज़ोर सा फील होने लग जाता है। तो वो नॉर्मली इसलिए गया था हट के अंदर क्योंकि उसको वहाँ से कुछ आवाज़ें आ रही थी। वहाँ पे जाने के बाद वो हट के अंदर से मानो खिड़कियाँ तो बंद हो जाती हैं, एंड सब कुछ ढक जाता है, एंड उसके अंदर से एक मतलब धुआं धुआं हो जाता है हट के अंदर। अब परमन की आँखें बंद हो जाती हैं, एंड फिर जैसे उसकी आँखें खुलती हैं वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है, एंड वो देखता है कि सामने से गेट खुलता है, एंड एक आवाज़ आती है, क्यों उठ गए तुम। परमैन सोच रहा था कि वो रस्सी को तोड़ के उन सबको देख लेगा और बहुत ज़ोर से मारेगा, मगर वो कुछ कर नहीं पा रहा था। क्या सोच रहे हो परमैन, तुम हम सबको हरा दोगे, यहाँ पे तुम्हारी परमैन पावर कोई काम नहीं करने वाली है, बिकॉज ये झोपड़ी उसी हिसाब से बनी गई है, यहाँ पे तुम्हारी परमैन पावर कोई काम नहीं आने वाली। परमैन समझ जाता है कि वही गैंग है, मगर आखिर वो इतने पावरफुल हुए कैसे, सब कुछ एक राज है, परमन कुछ नहीं कर पाता। और जो उनका गैंग का लीडर था
वो परमैन का हेलमेट ले लेता है और कहता है कि इसका हेलमेट निकाल तो लिया मैंने, अब बाकी तुम इसका मेंटल निकाल लो और बैच भी निकाल लो, मैं इस दुनिया पे कब्जा कर लूँगा। एंड उतने में ही पाको जो थी वो आयरन पे पहुँच चुकी थी। पाको देख रही थी कि आखिर आवाज़ें किस टाइप की आ रही हैं, वो भी थोड़ा आगे जाती है, उसको हट दिखता है। हट करने जाते से ही वहाँ पे वो देखती है कि सब लोगों ने परमैन को पकड़ रखा है। आखिर ये सब कैसे, पाको उन सबको हराने की कोशिश करती है मगर कोई फ़ायदा नहीं होता बिकॉज उनके पास भी एक परमैन सेट था। वो फाइनली पाको को भी दबोच लेते हैं एंड फिर से पूरे हट करने धुआं धुआं कर देते हैं। फिर से परमैन तो बेहोश रहता है एंड पाको ही बेहोश हो जाती है। जैसे धुआं हटता है पाको के आगे खोलते हैं एंड उसका होश आता है। फिर से गैंग का लीडर आता है एंड वो कहता है कि इसका ही परमैन सेट ले लो। जैसे ही उसके पास में आते हैं वैसे ही वो गलती से मित्सो को मार देते हैं। मित्सो एक नॉर्मल इंसान था, उसके आँखें नहीं खुली थी मगर सिर्फ उसको थोड़ी चोट लग गई थी किसी और की वजह से, उसकी आँखें भी खुल जाती हैं। अब गैंग का लीडर बोलता है हम इसका ही परमैन सेट ले लेंगे और फिर बाकी के दो परमेंट्स को भी हम हरा देंगे एंड फिर हम पूरी दुनिया के राजा होंगे। अब उनमें से एक बंदा आगे आता है एंड पाको का हेलमेट